हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए महबल्लापुर स्टेशन पर, काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। तो अपने कज़न को लेने के लिए आए थे, तो ट्रेन थोड़ी लेट है, तो एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। दोस्तों, इस प्लेटफार्म से हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं। हम कॉलेज टाइम में इसी से, इस प्लेटफार्म से अप डाउन किया करते थे अपने कॉलेज के लिए, कॉलेज आना जाना। और ये रेल लाइन काफ़ी ज़िलों को आपस में जोड़ती है। जैसे आपका सीतापुर हो गया, लखीमपुर हो गया, हरगांव हो गया, पीलीभीत, बरेली, मैलानी और काठगोदाम, आगरा फोर्ट, तो काफ़ी ज़िलों को आपस में जोड़ता है। और इसी रेल मार्ग से आप पूर्णागिरी भी जा सकते हैं, उत्तराखंड को भी जोड़ता है, पूर्णागिरी भी जा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी फैसिलिटी हो गई है। चारों तरफ आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। और पुल पे चढ़ने के लिए रैंप भी बना हुआ, अगर आप सीढ़ी जा सकते हैं सीढ़ी जा सकते हैं, नहीं तो आप रैंप जा सकते हैं। और ट्रेनों का तो बहुत बचपन से ही हम लोग का रिश्ता जुड़ा हुआ है, हर किसी इंसान ने ट्रेनों से सफ़र किया है। और दोस्तों, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा ट्रेनों का सफ़र, इतना बढ़िया होता है। बचपन में काफ़ी गाने भी इन ट्रेनों पे बने हैं, छुक 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 रेलगाड़ी, काफ़ी पुरानी पिक्चरों में ये गाने हिट भी हुए हैं। तो आज रेलगाड़ी का समय है, अगर आप इंक्वायरी सेंटर पर जाएंगे वहाँ भी आपको लाइन लगा के इंक्वायरी में बात करनी पड़ेगी। तो बैंक में भी जाएंगे तो आपको रेलगाड़ी की तरह लाइन लगानी पड़ेगी, कंट्रोल में भी जाएंगे तो रेलगाड़ी की तरह लाइन लगानी पड़ेगी। लाइन का तो हर जगह अब प्रचलन हो गया है, और जैसे कि आप ऑनलाइन पर भी सामान मंगाते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, काफ़ी प्यारा प्लेटफॉर्म। पब्लिक अभी थोड़ी कम आती है, और सुविधाएं सारी दे रखी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय हिंद।